नमस्कार दोस्तों, ऋषि की रसोई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट अनुराग। आज जो रेसिपी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं वो सर्दियों की एक स्पेशल रेसिपी है और आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और अदरक की चाय। और ये जो गुड़ और अदरक की चाय होती है ये बहुत ही फायदेमंद होती है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में जब आपको जुखाम हो या कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं गुड़ और अदरक की ये चाय। और एक बात और, मैंने गुड़ के फायदों पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे भी देखिए कि वो कितना फायदेमंद है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड़ और अदरक की इस चाय की। गैस को ऑन कर दिया है और उसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगा ये पानी। तो हमने पानी को डाल दिया है, हम पानी को हल्का सा बॉईल देंगे। तो देखिए हमारा जो पानी है वो उबलने लगा है, हम इसमें डाल देंगे हमारा कुटा हुआ अदरक जिसे हमने पीस लिया था। अदरक को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाने देते हैं। मैं यूं एक हल्का सा इसे घुमा दूंगा तो इसमें अदरक का टेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अदरक और पानी अच्छे से उबलने लगा है, अब मैं इसमें चाय पत्ती डाल दूंगा। चाय पत्ती आपके अपने टेस्ट के अनुसार है, आप इसे कम और ज्यादा डाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, कुछ लोगों की शिकायत आती है कि उनकी जो अदरक की चाय है वो फट जाती है, तो उसके पीछे सिंपल सा बेसिक रीजन है कि जो आपका पानी है वो हार्ड होगा। तो इसके लिए आप प्योर वाटर का यूज कीजिए तो आपकी चाय फटने की समस्या कभी सामने नहीं आएगी। अच्छे से उबलने लगी है, अब हम इसमें हमारा गुड़ डाल देंगे जिसे भी मैंने कुछ यूं पीस लिया था और इसे अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाने देंगे और इसे हम कुछ यूं घुमा देंगे। गुड़ भी इसमें अच्छे से घुल चुका है, अब हम इसमें हमारा दूध डाल देंगे और आराम से कुछ समय के लिए इसे उबलने देते हैं। देखिए नॉर्मल चाय से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा अलग होता है। देखिए ये जो सब होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि इसमें हमने गुड़ का यूज किया है। गुड़ और अदरक की चाय अच्छे से बनके तैयार हो रही है, हम इसे लगातार कुछ इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ये कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी चाय बनकर तैयार हो रही है और ये स्पेशली सर्दी में जुखाम में बहुत फायदेमंद होती है, तो आप इसका ध्यान रखिए, इसे आप जुखाम में यूज कर सकते हैं अगर आपको सर्दी और जुखाम है या ठंड की समस्या है। बट ज्यादा ना लें, एक्सेस में ना लें, कम मात्रा में लें, फिर ये आपके लिए हार्मफुल नहीं है। इसका जो ये कलर है वो इसीलिए है क्योंकि ये गुड़ से बनाई गई है। तो हमारी गुड़ और अदरक की ये चाय बनकर तैयार हो चुकी है, अब मैं गैस को बंद कर दूंगा और इसे हम छान लेंगे। तो हमारी चाय बनकर तैयार है, अब हम इसे छान लेंगे। देखिए ये पूरा एक कप ही बनकर तैयार हुई है, इसका मतलब एक कप के लिए जो हमने मात्रा ली थी वो बिल्कुल सटीक थी, तो आपको उतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना है। गुड़ की ये चाय बनकर तैयार है, ये सर्दियों के लिए स्पेशली है और फायदेमंद भी है, तो आप इसे अपने घर पर ट्राई कीजिए और इसे पीकर देखिए, शायद ये आपको बहुत ही अच्छी लगे। और अगर आप चाहते हैं दो कप चाय बनाना तो वो जो मात्रा है, वो जो पानी है वो सवा कप हो जाएगा और जो दूध है वो एक कप हो जाएगा। तो आप इसे घर पर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। थैंक यू।